हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी तैयारी करते रहें। जैसा कि क्लास 8 का टॉपिक है परिमेय संख्या, पहला चैप्टर है, तो इससे पहले आप पूरे संख्याओं की अवधारणाएँ वगैरह पढ़ रखी होंगी, हमें संख्याओं के बारे में जानते होंगे, प्राप्त संख्याएँ क्या होती है ना, सम संख्याएँ क्या होती हैं, विषम संख्याएँ क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इनको आप एक बार ज़रूर दोहरा लें, क्योंकि इनका यूज आगे होने वाला है। आप जितनी मैथमेटिक्स पढ़ोगे हर जगह आपके सब नंबर्स आपको वहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। चलिए, हमारा आज का टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। ओके, तो क्या होती है परिमेय संख्या? ऐसी संख्या जिनको पी बटे क्यू के रूप में निरूपित किया जा सके। ठीक, जैसे लिखा हुआ देखिए, ऐसी संख्या जिसको पी बटे क्यू के रूप में निरूपित किया जा सके, जहाँ जी ध्यान रखिएगा कि पी व क्यू पूर्णांक है। क्या होंगे? पूर्णांक। अब मैं आपको क्लियर कर दूँ, पूर्णांक भी पढ़ा है आपने, पूर्णांक परिभाषा आपको उसने दी है। पूर्णांक होते क्या है? सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य तथा ऋण प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का चिन्ह बदल दें हम, ठीक, तो जो संख्या प्राप्त होगी क्या कहलाएगी? ऋण प्राकृतिक संख्याएं, को हम लोग क्या करते हैं? पूर्णांक होते हैं। लेकिन एक शर्त और भी है यहाँ पर कि क्यू का जो मान है वो कभी शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई संख्या ऐसी ना लिखी तीन बटे जीरो, थ्री अपॉन जीरो, क्योंकि तीन बटे जीरो कोई परिभाषित मान नहीं है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या आपकी नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है, परिभाषा में क्लियर होना चाहिए। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि एक परिमेय संख्या है उसका हर होगा, हर क्या होगा या क्या? शून्य होगा, शून्य नहीं होगा, शून्य के अलावा कोई नंबर होगा, तो शून्य कभी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ध्यान रखिएगा, उसका जो हर है वो तो कभी शून्य नहीं होता है। ठीक, तो ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में निरूपित किया जा सके, जहाँ p व q पूर्णांक है तथा q का मान कभी शून्य ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एक बटे दो, तीन बटे दो, माइनस एक बटे दो, माइनस पाँच, आठ, जीरो, और कुछ लिख दो, तीन लिख दो, तीन बटे उन्नीस लिख दो, कुछ भी जितना आप लिख सकते हो, बस शर्त यह है कि उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, चलिए, मैंने कहा कि ऐसी संख्या जिनको पी बटे क्यू के रूप में निरूपित कर सके, क्या माइनस पाँच को पी बटे क्यू के रूप में निरूपित किया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि माइनस पाँच का मतलब होता है माइनस पाँच बटे एक, आठ का मतलब होता है आठ बटे एक, शून्य का मतलब होगा जीरो बटे एक, पंद्रह लिखा है तो पंद्रह का मतलब भी एक, पंद्रह बटे एक। कहने का मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी हमारी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, जितने भी भिन्न हैं वो सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। जितनी भी सम संख्याएं हैं वो भी क्या है? परिमेय संख्या। जितनी विषम संख्याएं हैं वो भी क्या है? परिमेय संख्याएं। तो ध्यान रखना है आपको, जितनी भी वास्तविक संख्याएं आपने अभी तक पढ़ रखी हैं, अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, वर्गमूल घनमूल नहीं, जितनी भी आपने पढ़ रखी हैं, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे आपका पूर्ण संख्याएँ हों, चाहे पूर्णांक हो, चाहे सम संख्या हो, और चाहे आपका विषम संख्या हो, चाहे भिन्न हो, ये सभी संख्याएँ हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं क्लियर है आपको? फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ, ऐसी संख्या जिनको पी बटे क्यू के रूप में निरूपित किया जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहाँ पी व क्यू एक पूर्णांक होते हैं और क्यू मतलब हर हमेशा शून्य नहीं होगा, हर कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी परिमेय संख्या की परिभाषा है। चलिए, इसके बाद अब हम परिमेय संख्या में देखते हैं, अभी इनकी बहुत सारी आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी, गुण गुण के विशेषताएं पढ़नी है, ठीक, जो योग अंतर गुणा भाग सब पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो भी परिमेय संख्या होती है उसका सरलतम रूप क्या होता है? परिमेय संख्या का अंग्रेजी में अगर बात करें तो कहते हैं हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक, परिमेय संख्या का सरलतम रूप, सरलतम रूप का मतलब जैसे कोई संख्या लिखी है 15 बटे मान लीजिए 26 लिखा,
सपोज ठीक। तो हम ये देखेंगे कि 15 के आप गुणनखंड करो, गुणनखंड आते हैं आप नहीं आते हैं तो वो भी सीख लीजिएगा। 15 गुणनखंड क्या होंगे, आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड, 3 पहाड़ा पड़े, 3 पचे 15, 5 एकम 5 हो गया, तो 15 गुणनखंड हो गए 3 गुणे 5, इस तरह 26 गुणनखंड किया हमने तो क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13, 26 गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणे 13। तो पहले क्या देखा हमने कि इन दोनों में कोई ऐसा नंबर है अंश और हर में, 15 अंश 26 क्या है हर, क्या अंश और हर में ऐसी कोई संख्या है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में नहीं है, तो अगर नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। लेकिन मान लो लिखा हुआ है 15/35, अब बताइए जिसको टेबल आती है, पहाड़ा आता है, उसके लिए बहुत आसान है, 15 के गुणनखंड हमने कर ही लिए थे 3 गुणे 5 ठीक। अब 35 के गुणनखंड क्या होगा, 5 × 7 = 35। अब देखिए अंश में भी 5 है, हर में भी 5 है, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया 3/7। तो ये जो आया है 15/35 = 3/7, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, दोनों बराबर हैं ठीक है। तो 3/7 जो है वो इसका सरलतम रूप है। सरलतम रूप का मतलब अंश हर में ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जो दोनों में कॉमन हो ठीक। 3/7, चलिए आपके लिए क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन दे रहा हूँ लगाइएगा, जैसे 12/108 ठीक, इसको सरलतम रूप में आपको बदलना है। दूसरा है 19/38, बहुत सरल सवाल है। तीसरा −26/48 ठीक। चौथा है −105/−115 और 208/408 ठीक। हाँ, एक चीज सरलतम रूप में और जान लीजिएगा, सरलतम रूप का मतलब ये होता है, जैसे मान लो एक संख्या लिखी, चलिए माइनस वाले रूप ले लेते हैं, जैसे लिखा हमने कोई संख्या कि 3/-15 ये लिखा हुआ ठीक। तो सरलतम रूप में जो माइनस चिन्ह होगा वो भी कहाँ ले जाना है, आपको अंश में ले जाना है। अब वो कैसे जाएगा, 3/-15 का मतलब हुआ 3 × 5, तो 3 × 3 तो कट गया, आ गया 1/-5, तो −5 को आप चाहे ऐसे लिख दो, तरीका तो ये होता है कि माइनस अगर नीचे हर में है तो ऊपर ले जाने के लिए आप −1 से अंश और हर दोनों में गुणा करोगे, तो माइनस प्लस क्या होता है, −1 हो गया, −1 क्या हो गया हाँ। लेकिन एग्जाम में आपके पास जो बहुकल्पी प्रश्न आएंगे तो वहाँ इतना आपको करना नहीं, वहाँ सीधे अगर आपको लिखा है 1/-5 लिखा हो तब भी आपका −1/5 है, अगर बीच में माइनस लगा है तब भी तीनों वैल्यू आपकी क्या है, बराबर है, इनमें कोई अंतर नहीं है ठीक है। चलिए तो ये है आपका सरलतम रूप, ये सवाल आप लगाइए, अगर मैंने 5 दिए हैं 12/108, 19/38, −26/48, −105/-115, 208/408, नोट कर लीजिए इनको। देखिए दो टॉपिक हमने अभी तक पढ़े, पहला हमारा क्या था, दो क्या एक ही मान लो, पहला हमारा था परिमेय संख्या और दूसरा था उसका सरलतम रूप ठीक। अब अगला टॉपिक हमारा समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। देखिए इसके लिए पहले एक नियम जान लो आप कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या a/b लिखी है, a/b मतलब a भी कुछ भी हो सकता है ठीक है, तो उसके अंश और हर में किसी नंबर से मान लो गुणा करें, मान लो हमने m से गुणा किया ऊपर भी और नीचे भी, तो उस संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ma × mb ठीक है। तो यही इसकी a/b क्या समतुल्य, अगर और निकालनी है किसी और से गुणा कर दो, a/b बराबर हमने n से गुणा कर दिया अंश में और n से गुणा कर दिया हर में, तो n × a n a n × b n b हो गया। मतलब जैसे हम अगर एग्जांपल देखें, जैसे आपसे कहा जाए 3/7 की
तीन समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करोगे? देखिए तो 3/7 की पहली समतुल्य परिमेय संख्या होगी तो क्या हो जाएगी, किसी भी नंबर से जो आपका मन करे, जो नंबर आपको प्यारा लगता हो। लेकिन होगा क्या कि जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आपके प्यारा लगने से क्वेश्चन नहीं होगा, वहाँ आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। पहले हम लोग निकालते हैं 3/7, हमने 2 से गुणा कर दिया, कितना हो गया 6/14 हो गया। दूसरा हमने किया 3/7 का, हमने किसी और नंबर से 3 से गुणा कर दिया, या 3×9 7 से। लेकिन ये काम ये करना, जितना अंश में गुणा करना है उतना ही हर में गुणा करना है। जैसे संख्या निकालनी थी 3/7, हमने 3×3 कर दिया और नीचे सॉरी 3×4 से गुणा कर दिया, 4×4 = 12 हो गया, 7×6 अब ये तीनों संख्याओं का मान जो है किसके बराबर है, 3/7 के। तो अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, अगर बहुविकल्पी आएगा, पहले दिन यही क्वेश्चन आ सकता है कि 3/7 की समतुल्य परिमेय संख्या है। तो समतुल्य परिमेय संख्या मान लो ऑप्शन में 1 दे दिया आपको, 6/14 दे दिया, दूसरा दे दिया 3/8, तीसरा दे दिया आपको 17/7 कुछ भी दे दिया, और चौथा दे दिया आपको कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तब आप क्या करोगे, तब आपको करना है कि दो आसान दिया है थोड़ा और कठिन आ सकता है। तो 3/7 की समतुल्य परिमेय संख्या है कौन सी है, इसे देखना। तो देखिए पहला तो देखो कौन कौन से नहीं, 3/8 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंश तो बराबर है लेकिन हर क्या है, 3/7 से कंपेयर करिए, तुलना करिए, अंश तो 3 है लेकिन हर 8 के साथ बराबर है ही नहीं। अब यह हर तो 7 है, अंश बराबर नहीं, ये भी नहीं, ये ऑप्शन देखना ही नहीं। अब 6/14 इसको आप बदलो, इसमें इससे पहले जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका जो सरलतम रूप है, वो कैसे बदलोगे आप? 6 का मतलब 2×3 और 2×7, 2 से 2 कट गया, आंसर आया 3/7। तो 3/7 की समतुल्य आ गई, ये संख्या क्या है, 3/7 के समतुल्य है। ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं इसमें, ठीक है। तो आप समतुल्य परिमेय संख्या निकाल लोगे, ठीक। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको कुछ करिएगा, हमने 3/7 लिया है, आपको निकालना है −18/17, एक ये संख्या है। एक चिन्ह देख के परेशान नहीं होइएगा, चिन्ह एडिटिव रहने दो, आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा, ठीक है। ये आपको लगाना है −18/17 की 3 समतुल्य परिमेय संख्या आपको निकालनी है। इसके बाद अगला टॉपिक है संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा पढ़ी है सभी ने, प्राकृतिक संख्या के बारे पढ़ा था आपने, ऐसे लाइन बनाते थे है ना, और अगर प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी तो 1 से शुरू करते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आगे बढ़ता जाता था। वही अगर पूर्ण संख्या से शुरू करते तो 0 शुरू करते। वही पूर्णांक से पढ़ा था आपने, आप क्लास 8 में तो आपने पढ़ा था पूर्णांक से −1, −2, −3 इधर ऐसे बढ़ जाता है ना। लेकिन अब हमारे पास परिमेय संख्या है, ठीक। तो परिमेय संख्या को आपको निरूपित करना है, उसके लिए संख्या रेखा तो यही रहेगी, ठीक। बस खाली यहाँ पर क्या करना है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे दिया कि 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रा करोगे, एक लाइन बनाइए और 0 आपको लेना है, कहीं 0 ले लो, 0 ले लिया। अब जितने भी यहाँ पर देख रहे हो आप, कितना हर इसका कितना है 2, जितने भी हर हैं उतने सेंटीमीटर पर, ठीक है, अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो आप, उतने सेंटीमीटर पर आप 1